डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ चुके थे अपन, अचक्रीय जो यौगिक जो है उनका अध्ययन और दूसरा जो समचक्रीय यौगिक है उनका भी जनरल आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके थे। अब मैंने बात की थी यहाँ पे जो समचक्रीय यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। तो यानी आज का जो टॉपिक रहेगा समचक्रीय यौगिकों के प्रकार, समचक्रीय यौगिकों के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट, समचक्रीय यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। तो यानी कितने प्रकार के होते हैं यहां से समचक्रीय यौगिक? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। दोनों ही जो टाइप है वो किसके? चक्रीय यौगिकों के। ये तो कन्फर्म है, दोनों ही यौगिक जो है वो बंद संरचना तो बनाएंगे, चक्रीय संरचना तो बनाएंगे, लेकिन उनकी खास बात क्या होगी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंट करने के लिए। तो एलिसाइक्लिक यौगिक का जो डेफिनेशन परिभाषा है वो क्या बताई कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ेंगे, जुड़कर क्या बनाते हैं वलयनुमा संरचना का निर्माण तो करते हैं लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये जो अपना व्यवहार है वो कैसा करते हैं? एलिफेटिक यौगिकों के समान करते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। यानी कि एरोमेटिक यौगिक तो नहीं होते हैं, वलयनुमा संरचना बनाते हैं, लेकिन ये जो अपना जो व्यवहार है वो एलिफेटिक यौगिकों के समान करते हैं। इस कारण इन्हें किस प्रकार के यौगिक कहा जाता है? एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। तो क्लियर है? देखिए यहां से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा ट्राइमेथिलीन ऑक्साइड। यानी सिंपल सी परिभाषा है यहां पे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर वलयनुमा संरचना का निर्माण तो करते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते हैं। और ये अपना जो व्यवहार है वो एलिफेटिक यौगिकों के समान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिकों की बात करता हूं। ये एलिसाइक्लिक यौगिक भी दो प्रकार के हैं यहां पे। एलिसाइक्लिक यौगिक कितने प्रकार के हैं यहां पे? दो प्रकार के। संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा होता है असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक, तो यहां से डियर स्टूडेंट एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब यहां पे कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर वलयनुमा संरचना तो बनाते हैं, वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन एरोमेटिक नहीं होते हैं। परिभाषा क्या होता है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन जो परमाणु है ये कार्बन कार्बन परमाणु आपस में किस प्रकार की संरचना बनाएंगे? वलयनुमा संरचना का तो निर्माण तो करेंगे लेकिन एरोमेटिक नहीं होते। अर्थात ये एलिफेटिक यौगिकों, एलिफेटिक यौगिकों के समान व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। इन्हें कैसे यौगिक कहा जाता है? एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होता है असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। अब आपको पता है संतृप्त का मतलब क्या है? कोई सिंगल बॉन्डेड और असंतृप्त का मतलब क्या है? डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। यानी कि
रिंग तो बनेगी, रिंग के अंदर यदि केवल एकल बंद है उपस्थित है तो कैसे योगी कहलाएंगे, सत्र पेरिसाइक्लिक योगी। और रिंग के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो कैसा एलिसाइक्लिक योगी कहलाएगा, असंतृप्त। तो संतृप्त एलिसाइक्लिक योगी को की जो उदाहरण है वो निम्न, इनके उदाहरण निम्न है, जैसे मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन, ऐसे लिखा मैंने CH2 CH2 CH2। इसका बंद संरचना से पहले पूर्व लगन के रूप में यहां पे क्या लगा देंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अभी देखो साइक्लोप्रोपेन, अब प्रोपेन से पहले यहां पे क्या लगा है, यहां पे साइक्लो वर्ड जुड़ा है। साइक्लो का मतलब यहां पे क्या शो कर रहा है, यहां पे कि ये क्लोज चेन कंपाउंड है। अब प्रोपेन का मतलब आपके पास क्या है, देखो यहां पे C3 यहां पे H8 प्रोपेन है, लेकिन यहां पे ये प्रोपेन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, यहां पे 1 2 3 यहां पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यानी कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन उपस्थित है और साइक्लिक रिंग है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड वो क्या कहलाएगा, आपका साइक्लोप्रोपेन कहलाता है। तो यानी कि ये अपना जो व्यवहार है किस प्रकार के यौगिकों के समान कर रहा है, ये एलिफैटिक यौगिकों के समान व्यवहार करता है। ऐसे ही मैंने लिखा यहां पे CH2 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 CH2, इस प्रकार से, यानी कि सभी कार्बन परमाणु के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इसका मतलब कैसा है, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। अब आपको पता है 1 2 3 4 चार कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन अगर बंद संरचना बनती है तो पूर्व लगन के रूप में यहां पे क्या लगा देंगे, साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे मैंने लिखा CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, और यहां पे ये CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन तो है, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेन है लेकिन बंद संरचना होने के कारण इस पूर्व लगन यहां पे क्या लगा देंगे, साइक्लो, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लिखा CH2 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 CH2, ये CH2 यहां पे देखो, यहां पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हेक्सेन तो है लेकिन बंद संरचना से पहले होने के कारण यहां पे क्या लगाओगे पूर्ण लगन के रूप में, साइक्लो, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो यानी इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो कैसे यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट में मैंने यहां पे ट्राई में असंतृप्त की बात करूं, मैं असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिकों के उदाहरण, असंतृप्त एलिसाइक्लिक साइक्लिक यौगिकों के उदाहरण, असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिकों के एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा यहां पे देखो असंतृप्त के अंदर मैंने यहां पे इस प्रकार से लिख दिया, मैंने यहां पे देखो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं लगा साइक्लोब्यूटेन होता, मैं इस वाले रिंग को मैं शॉर्टकट में ऐसे तो लिख सकता हूं, चार कार्बन को मैं ऐसे शो कर सकता हूं, इसका मतलब यहां पे क्या है, ये ऐसे लिख सकते हैं, और बेंजीन रिंग जो साइक्लो हेक्सेन, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूं आबंध रेखीय सूत्र के, तो यहां पे साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये कौन सा यौगिक हो जाएगा, ये साइक्लो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड उपस्थित है तो कैसे यौगिक हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, कैसा यौगिक कहलाएगा, ये असंतृप्त एलिसाइक्लिक। इसी प्रकार से मैंने यहां पे लिखा CH2 CH2 दोनों के बीच में, तो CH डबल बॉन्ड CHO CH डबल बॉन्ड CHO साइक्लोहेक्सेन 1,4-dioxane बोलते हैं, तो इस प्रकार का जो यौगिक भी है वो भी क्या कहलाएगा, आपका असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से CH,
ये है आपके एरिसाइक्लिक यौगिक। उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट टाइप में बात करूंगा मैं एरोमेटिक यौगिक। नंबर टू पे क्या हो जाएगा यहां से, एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें यानी कि चक्रीय संरचना तो बनाएगा लेकिन कम से कम कितने परमाणु होने चाहिए, 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होने चाहिए। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, हेकल के नियम का पालन करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब ये एरोमेटिकता के लिए जो शर्त अप्लाई की जाती है उस वो शर्त क्या होती है भाई, कंपाउंड जो है वो हेकल का नियम का पालन करना चाहिए। हेकल का नियम यहाँ पे कहता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो sp2 संकरित होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड धनायन डबल बॉन्ड ऋणायन अल्टरनेट क्रम में जुड़े हुए होने चाहिए। यदि और यौगिक की जो संरचना है वो कैसे होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, समतल्य होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक कार्बन परमाणु जब sp2 संकरित है तो त्रिकोणीय समतलीय संरचना बनेगी। यदि यौगिक इन सभी शर्तों का पालन करता है तो यौगिक कैसा कहलाएगा, आपका एरोमेटिक कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है।